मिनी बजट आ जाएगा, नए टैक्सेस और ड्यूटीज का होगा ऐलान, महंगे होंगे स्मार्टफोन, इंपोर्टेड गाड़ियां, मलबूसा, सिगरेट और कुर्तायू सामान, डब्बा बंद खुराक और केबल कनेक्शन पर नए टैक्स लगने का भी इम्कान, टोल टैक्स बढ़ाने के लिए की जाएगी गुजारिश, नॉन टैक्स पेयर के बैंक से रकम निकालने पर टैक्स दोगुना करने की भी सिफारिश होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में दिन 2 बजे होने वाले इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वजीर खजाना असद उमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग देंगे। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी इजलास भी आज होगा। आप हैं पाकिस्तान के हीरो, सारा दिन मजदूरी मेहनत करके पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, और पाकिस्तान के विलन वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के हीरो पैसा चोरी करके बाहर भेजने वाले विलन हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के पैसे पर चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के बायस डॉलर की कीमत पड़ी, प्रेशर में खेलना आता है, पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई है, मियां दाद और इमरान खान विकेट पर खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की दौरा कतर के दूसरे दिन भी अहम मसरूफियात, दीवाने अमीरी में अमीर कतर से वन ऑन वन मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, बढ़ाए भी जाएंगे इक्तसादी ताल्लुकात, चेयरमैन कतर चैम्बर और दीगर शख्सियात से भी मिले। इमरान खान कतर बिजनेस एसोसिएशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान, मैन्युफैक्चरिंग, नकलो हमल और खुराक की पैदावार में सरमायाकारी होगी। बादल फिर बरसने को तैयार, लाहौर और गुजरावाला में आज मजीद बारिश का इम्कान, सबाक, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और अपर दीन में मजीद बारिश की पेशगोई, हजारा डिवीजन, मलकाए कौसार पर भी सफेद मोतियों की जड़ी लग गई, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, लाहौर, शेखुपुरा, सरगोदा और दीगर इलाकों में यालाबारी और बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। दुनिया भर की तरह यूरोप भी शदीद बर्फबारी की लपेट में, बेल्जियम में सर्दी की पहली बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली, शदीद सर्दी की लहर से कनाडा की नियाकारा फॉल्स भी मंचमित होने का शुरू। साहिवाल में हलाक जीशान जावेद का दहशतगर्दों से ताल्लुक, अहम तरीन सबूत 92 न्यूज ने हासिल कर लिए। जीशान की फैसलाबाद में हलाक दहशतगर्द उस्मान के साथ तस्वीर सामने आ गई। फैसलाबाद में हलाक दहशतगर्द अदील हफीज की गाड़ी जीशान के जरिए इस्तेमाल थी। जीशान के मोबाइल से दहशतगर्दों के साथ राबते किए गए। जीशान ने फदाई बनने की ख्वाहिश भी जाहिर की। खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। ईशान के मुतालिक मजीद तफ्तीश के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। खलील और अहले खाना बेगुनाह थे, JIT ने कत्ल का जिम्मेदार CTD को करार दे दिया। खलील फैमिली का दहशतगर्दी से ताल्लुक साबित नहीं हुआ,
जिशान का किरदार मशकूक था, उस पर मजीद तफ्तीश होनी चाहिए। सीटीडी ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा, हद से तजावुज और वाके को मिसहैंडल किया। कार पर फायरिंग के बजाय रोक कर चेक किया जा सकता था। क्राइम सीन बदलने की कोशिश भी की गई। एडिशनल आईजी ऑपरेशन पंजाब को फौरी तौर पर अहदा से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। एडिशनल आईजी सीटीडी को फौरी तौर पर अहदे से हटा दिया गया है। डीआईजी सीटीडी को भी अहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सीटीडी के 5 अफसरान को मुकदमे में चलान करके इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। सानिहा साहिवाल, सीटीडी और पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले। एडिशनल आईजी सीटीडी राय ताहिर को हटाकर ओएसटी बना दिया गया। डीआईजी बाबर सरफराज और एडिशनल आईजी अजहर हमीद की खदमात विफाक के सपुर्द। राजा बशारत का कहना है कि वाकई में मुलव्वस 5 सीटीडी एहलकारों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। साहिवाल ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की सदर मारिया फर्नांडा की मुलाकात हुई। जीएचक्यू में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरतेहाल पर बातचीत हुई। मारिया फर्नांडा ने कहा, जंगजदा इलाकों में अमन के लिए पाक फौज का अक्वामे मुत्तहिदा से तआवुन काबिले तारीफ है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का वफ्द के हमराह ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद से सऊदी वफ्द की मुलाकात, इलाकाई सलामती अफवाज के माबैन पेशावराना अमूर तरबियती तआवुन पर गुफ्तगू। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला, पाकिस्तान की पहल, भारत को मामला तय करने की दावत दी गई। भारत की चालबाजियां, करतारपुर मुजाकरात का क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ गया। अमरीका के साबिक वजीर खारिजा जॉन कैरी का सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वर्ल्ड इकॉनमी फोरम में गुफ्तगू के दौरान कहा कि ट्रंप से मुलाकात में उन्हें सदारत से मुस्ताफी होने का कहेंगे। ज्यादती के इल्जाम में फ्रांस में गिरफ्तार अमरीकी गुलकार क्रिस ब्राउन को छोड़ दिया गया। फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। गुलकार के खिलाफ तहकीकात जारी रखी जाएंगी। प्रोसिक्यूटर का बयान, क्रिस के वकील का कहना है कि क्रिस अपनी शोहरत को दागदार करने पर हर जाने का दावा करेंगे। क्रिस को ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। बरतानिया के बाद अमरीकी हवाई अड्डों पर भी ड्रोन के बायस परवाजें मुतासर। न्यूजर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन की मौजूदगी से परवाजें आरसी तौर पर मुअत्तल। एयरपोर्ट से 3.5 किलोमीटर दूर ड्रोन को उड़ते देखा गया। और ऑस्कर अवार्ड के लिए बेहतरीन फिल्मों की नामजदियों का ऐलान। फिल्म रोमा और दी फेवरेट बेहतरीन फिल्मों की रेस में शामिल। म्यूजिकल फिल्म ए स्टार इज बॉर्न और कॉमेडी फिल्म वॉइस बी डॉट में शामिल 91 साल तारीख में पहली बार सुपर हीरो फिल्म ब्लैक पैंथर भी बेहतरीन फिल्मों की दौड़ में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह 8 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे सानिहा साहिवाल की तहकीकात के हवाले से और कुछ मौसम का जिक्र भी करेंगे। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करें। मिनी बजट में आवाम पर महंगाई का बम गिरने के लिए तैयार है। स्मार्ट मोबाइल फोन, इम्पोर्टेड गाड़ियां, मलबूसा, सिगरेट और पुरतायुश अशिया मजीद महंगे होने हैं।
डब्बा बंद खुराक और केबल कनेक्शन पर नए टैक्स लगने का इम्कान है। टोल टैक्स बढ़ाने के लिए सिफारिश की जाएगी। नॉन टैक्स पेयर के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स दुगना करने की भी सिफारिश होगी। मैंने बजट के चीदा चीदा निकात 92 न्यूज को मौसूल हो गए।